हिमाचल प्रदेश की नवनियुक्ति कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को कांग्रेस कार्यालय राजभवन में पदभार संभाला। चौड़ा मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद करीब 3 बजे प्रतिभा सिंह कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जहां पर राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त, प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की मौजूदगी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें कार्यभार सौंपा और उन्हें अपनी जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दी। एकजुट होकर आगे कांग्रेस पार्टी को और सशक्त करेंगे और मजबूत बनाएंगे, ताकि आने वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन को हम भारी बहुमत से जीत सकें। जरूरी नहीं है वो रिस्ट होके गए हैं, क्या पता उनके अपने कोई व्यवस्था रही होगी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए, पर हम एकजुट हैं और एकजुट किए अब बैठने दो, फिर बैठ के बातचीत करेंगे, सोचेंगे अगला कार्यक्रम कैसा तय किया जाए। लेकिन इस तरह के बड़े आएंगे, डेफिनेटली किए जाएंगे। वी आर फेसिंग द इलेक्शंस दिस ईयर, इट इज राइट ऑन टॉप ऑफ आवर हेड। हमने कॉर्पोरेशन जीतना है, उसके लिए भी रणनीति तय की जाएगी। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा, उसके लिए भी हमने कई मैटर्स है जिसपे डिस्कशन होनी है, हम आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे। जैसा आज मुकेश जी ने भी कहा कि टिकट उसी को मिलना चाहिए जो जीतता हुआ कैंडिडेट है। हमारा सबका मानना यही है, इसमें कोई भाईबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई यारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। जिसका सर्वे में नाम आएगा और जिसको कहा जाएगा कि ये जीतता हुआ कैंडिडेट है, उसी को टिकट के लिए कंसिडर किया जाएगा। कुछ बड़े नहीं था, मुकेश जी भी वही थे, सारे वहाँ थे। आई थिंक एल्स्टार न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट रही होगी, कुछ उसकी वजह से नहीं आई।